हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संदीप है और आज इस वीडियो में मैं आपको डेटा डिस्क या एडिशनल डिस्क कैसे ऐड करनी है वर्चुअल मशीन में, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। पोर्टल पे लॉगिन करके आप वर्चुअल मशीन ओपन करेंगे, डिस्क पे जाएंगे। अगर आपको डिस्क ऐड करनी है, डेटा डिस्क ऐड करनी है, तो आप डिस्क पे जाके ऐड डेटा डिस्क पे क्लिक कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपका लन नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, आपको इस वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेम पे आप जो है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डिस्क अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट डिस्क करेंगे। क्रिएट डिस्क करने के बाद आपको डिस्क का नाम पूछा जाएगा, तो आप लेट से यहाँ पर लिख सकते हो data_disk_01। कौन सा रिसोर्स ग्रुप है, जिस रिसोर्स ग्रुप में आपका वर्चुअल मशीन है उसी रिसोर्स ग्रुप का आपको चूज़ करना होगा। लोकेशन आपका ऑटोमेटिकली आएगा। सोर्स टाइप आपका यहाँ पर नन रहेगा, क्योंकि हम लोग मैनेज डिस्क क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपका अनमैनेज डिस्क रहता तो आपका स्टोरेज ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना होता, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम लोग इसको नन रहने देंगे क्योंकि हमारा मैनेज डिस्क है और एम्प्टी डिस्क है। यहाँ पर आप साइज़ चूज़ कर सकते हो कि आपको डेटा डिस्क का साइज़ कितना चाहिए। ऊपर से आप स्टोरेज टाइप चूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड SSD चाहिए, स्टैंडर्ड SSD चाहिए कि प्रीमियम SSD चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ इनका डिफरेंस क्या है। तो लेट्स से फिलहाल मुझे 250 GB का एक डिस्क चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और है, आप चाहिए तो अपने हिसाब से कस्टम साइज़ भी चूज़ कर सकते हो। ये तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड साइज़ हैं, डिफ़ॉल्ट साइज़ हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको 256 नहीं, आपको 230 GB का डिस्क चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से 230 पे, यहाँ पर 230 टाइप कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। ओके करने के बाद इंक्रिप्शन हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जब तक ये क्रिएट होता है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सो गाइज, मेरा जो डिस्क है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। यहाँ पर मेरा लन नंबर आ गया है, नाम आ गया है, क्या साइज़ है उसका, स्टोरेज अकाउंट टाइप क्या है, होस्ट कैशिंग क्या है। अब आपको नोटिफिकेशन में भी दिख जाएगा कि आपका डिस्क क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जब तक आप सेव पे क्लिक नहीं करोगे, तब तक आपकी डिस्क सेव नहीं होगी। तो इसको सेव पे क्लिक करते हैं। मैं फिर से यहाँ पर पॉज करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो गाइज, मेरा जो डिस्क है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है और मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया है कि सक्सेसफुली अपडेट हो गया है मेरा वर्चुअल मशीन। अब मैं इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करता हूँ यहाँ से RDP लेके। तो जब तक कि RDP लेता हूँ मैं तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूँ ताकि मैं अननेसेसरी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सो गाइज, मेरा जो है RDP आ गया है, मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ अभी सर्वर के। अब मुझे क्या करना है, वर्चुअल मशीन में जब मैंने डिस्क ऐड करी, तो आप या तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और डिस्क मैनेजमेंट ओपन कीजिए, नहीं तो आप स्टार्ट रन में जाके disk_mgmt.msc ओपन कर सकते हो। आपका एक विंडो आएगा, एक प्रॉम्प्ट होगा, इसमें आपको बोलता है डिस्क जो आपने ऐड करी है उसको इनिशियलाइज करो। तो लेट से मैं इसको ओके करता हूँ, मैंने डिस्क इनिशियलाइज कर दी है यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे डिस्क इनिशियलाइज करने के बाद मेरा डिस्क ऑनलाइन आ गया है। अब मुझे इसको फॉर्मेट करके इसको एक ड्राइव लेटर देना है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू सिंपल वॉल्यूम बनाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ड्राइव लेटर आपको जो आपकी इच्छा हो आप दे सकते हो, और नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर दो। तो ये आपका भी फॉर्मेटिंग करेगा, क्योंकि ये रॉ डिस्क है और ये NTFS में आपका जो है फॉर्मेट करेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, दिस PC में जाएंगे और यहाँ पर देखिए हमारा ई ड्राइव करके एक 230 GB का एक डिस्क ऐड हो गया है। तो ये आपका डेटा डिस्क ऐड हो गया है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि डिस्क कैसे ऐड करते हैं और क्यों करते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।